डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 के जो कंटेंट्स हमें इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं उसमें पहला है नोजल टेस्टिंग मशीन और दूसरा ग्रीस गन। तो नोजल टेस्टिंग मशीन बेसिकली क्या है? यह एक हस्तचालित दाब पंप है, तो हैंड ऑपरेटेड है और एक पंप की तरीके से कार्य करता है, एक पंप है। इसकी सहायता से नोजल का कार्यकारी दाब तथा स्प्रे की जाँच करते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो नोजल है वो कितने प्रेशर से स्प्रे निकाल रहा है और स्प्रे कैसा निकल रहा है इसकी हम जाँच करते हैं। इस मशीन में एक जो पार्ट्स इसके होते हैं उसमें एक ईंधन टैंक, पंप, हैंडल या लीवर, दाब गेज तथा जांचे वाला जाने वाला नोजल लगा होता है। तो नोजल को हम इसमें लगा देते हैं। नोजल के नीचे ईंधन को एकत्रित करने के लिए एक पात्र लगा होता है, तो एक फ्लास्क या पात्र हम ऐसा लगा देते हैं जिसमें कि ईंधन एकत्रित होता है जो कि नोजल से निकलता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्प्रे दिए हुए हैं, ये स्प्रे उत्तम परंतु दुर्बल। तो एक जेट इसमें बन रहा है, ठीक है, लेकिन वीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं है। दूसरा खराब विभाजित, ये स्कैटर्ड है, ये भी एक तरीके से स्कैटर्ड है, ये भी बाई तरफ को झुक रहा है और स्कैटर्ड है, ये भी स्कैटर्ड है। तो ये स्प्रे आप देख रहे होंगे, तो जेट इसका स्पीड इसकी होगी जेट की, और एक जेट बन रहा है, स्कैटर्ड नहीं है, फैल नहीं रहा है, तो ये सबसे अच्छा स्प्रे है। तो जो नेजल स्प्रे टेस्टिंग मशीन है हमारी, उसमें सबसे पहले ईंधन टैंक, वायु स्क्रू, ये हैंडल है क्योंकि हैंड ऑपरेटेड है, वाल्व, प्रेशर गेज, दाब समायोजन स्क्रू, तो यहाँ से प्रेशर हम सेट करते हैं, इंजेक्टर नोजल, यहाँ से ईंधन निकलता है, ये स्प्रे है और ये पात्र है जिसमें कि नोजल से निकलने वाला ईंधन एकत्रित होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वायु बाहर निकालने के लिए हैंडल 2-4 बार ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हैंडल है उसको 2-4 बार ऊपर नीचे कर देते हैं जिससे कि वायु अगर सर्किट में कहीं पे है तो वो निकल जाती है। अब हैंडल को नीचे दबाया जाता है, हैंडल को नीचे दबा देते हैं, दाब गेज से दाब नोट कर लेते हैं। तो हैंडल जब हमने नीचे दबा दिया, फिर प्रेशर गेज से हम प्रेशर मीजर कर लेते हैं कितना है, नोजल से निकलने वाला स्प्रे देखते हैं, फिर नोजल से स्प्रे निकल रहा है उसको देखते हैं। निर्माता द्वारा निर्धारित दाब पर आदर्श स्प्रे बाहर निकलना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो स्टैंडर्ड दिया दिया हुआ है, जो बताया हुआ है कि जो आदर्श स्प्रे, आइडियल स्प्रे निकलेगा वो इतने प्रेशर पर होगा, उतने पर ही निकलना चाहिए। यदि दाब का मान आदर्श, जो आइडियल जो कंपनी ने बताया हुआ उससे कम या अधिक है तो वो उसके तो उसको हम समायोजित कर लेते हैं। अगर ज़्यादा है तो कम कर लेंगे और कम है तो उसको ज़्यादा कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीस गन। तो इंजन के अतिरिक्त वाहन के अन्य भागों का स्नेहन भी किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाहन में बहुत सारे भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो ग्रीस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्रीस लगाने के लिए हम ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं। तो ग्रीस गन निम्न प्रकार की होती है, पहले लाइट टाइप ग्रीस गन, पुश टाइप ग्रीस गन, हैवी टाइप ग्रीस गन एंड बकेट टाइप ग्रीस गन, 4 तरीके की होती है। तो जैसी हमारी आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले है लाइट टाइप ग्रीस गन। इसमें एक बेलनाकार गन में ग्रीस भर दिया जाती है, तो एक सिलेंडर के तरीके से होती है गन, उसमें ग्रीस भर देते हैं और जब उसको दबाते हैं तो नोजल से ग्रीस बाहर निकलती है। तो डायग्राम में आप देखेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल गन है, इसमें ग्रीस भर देते हैं और जब इसको दबाएंगे तो यहाँ से नोजल से ग्रीस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है पुश टाइप ग्रीस गन एंड हैवी टाइप ग्रीस गन। इसके बेलनाकार भाग में स्प्रिंग तथा प्लंजर लगा होता है, तो इसका जो बेलनाकार भाग है उसमें स्प्रिंग होगा और प्लंजर लगा होता है। प्लंजर तथा नोजल के मध्य ग्रीस भर देते हैं, तो उनके प्लंजर और नोजल के बीच में ग्रीस भर दिया जाता है। प्लंजर को ऊपर नीचे करने पर ग्रीस पर दाब पड़ता है जिससे नोजल से ग्रीस बाहर निकल जाती है। तो हम फिर से प्लंजर से को पीछे से आगे की तरफ दबाते हैं या ऊपर नीचे करते हैं तो ग्रीस पर दाब पड़ता है जिससे कि ग्रीस नोजल से बाहर निकल जाती है। डायग्राम में आप देखेंगे तो ये पुश टाइप एंड हैवी टाइप ग्रीस गन है, जिसमें आप देख रहे हैं ये प्लंजर है, प्लंजर को हम यहाँ से दबाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ग्रीस बाहर निकल जाता है। तो ये भी लीवर भी है यहाँ पर हैंड ऑपरेटेड, यहाँ से हम इसको दबाएंगे तो ग्रीस बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है बकेट टाइप ग्रीस गन। इसका लीवर ऊपर नीचे करने पर पाइप के सिरे पर लगे नोजल से ग्रीस निकलने लगता है। तो इसका लीवर को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो पाइप के सिरे पर जो नोजल होगा वहां से ग्रीस निकलने लगता है। डायग्राम आप देखेंगे ये आपके बकेट टाइप ग्रीस गन है, तो ये यहाँ पे पाइप है, नोजल लगा हुआ है। इस लीवर को अगर आप ऊपर नीचे ऑपरेट करेंगे तो ये यहाँ पर एक तरीके से पिस्टन ही होगा, वो ऑपरेट होगा और यहाँ से ग्रीस निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रीस की मात्रा तथा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नोजल प्रयोग किए जाते हैं। तो ग्रीस की कितनी मात्रा हमें चाहिए, कितनी मात्रा निकलनी चाहिए और उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, प्रवाह, उसको कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के नोजल यूज कर सकते हैं। तो डायग्राम में आप देखेंगे ये अलग अलग प्रकार के नोजल्स हैं जो कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा चैप्टर 7 समाप्त होता है। साथ ही साथ हमारा जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर, उसका सिलेबस भी समाप्त होता है। तो इसी के साथ ऑल दी बेस्ट फॉर दी एग्जाम्स। थैंक यू।